उदरे कोल सगल निस्तारे हुण मालक जी कहंदे ने हे मन जिन्ना नूं ए सेवा करन दा ज्ञान दी विचार करन दा जीवन मकसद अंदर मौका मिल गया उसे आप उदरे हो आप ते तारी जांदे हर प्रकार दे उन्हां दे अज्ञानता दे बंधन कट्टे जांदे उन्हां दे बंधन टुट जांदे ने ना जात दा बंधन ना रूप दा बंधन ना बरादरी दा बंधन कोई बंधन उन्हां नूं नहीं घेरदा वो किसे बंधन विच नहीं हुंदे मुक्त हो जांदे ने ते नाल की करदे ने अपणियां कुल्लां तार लैंदे ने अपने आउण वाले कुटुंब दे लई वो प्रेरणा स्रोत बन किवें तारदे ने उन्होंने परिवार प्रेरणा मिल जाती मेरे दादा जी तो अमृत वेले उठती मैं क्यों नहीं उठ रहा मैं भी उठा तर जाएगा मेरी दादी जी तो बाणी पढ़ते हैं आटा गुंदे सन मैं क्यों नहीं गुंदी मैं भी बाणी पढ़ा तर गया वो प्रेरणा स्रोत बन जाते इसलिए सेवा इस तरह के सेवादार आपने बनना है हर का नाम रख उतारे वो जड़े भगत ने ना सेवादार ने वो परमात्मा जी का नाम वाहगुरु जी का नाम की करते ने अपने हिरदे विच धारण करके रखते ने ताही तो सेवादार ने अड़ मेरे वर्गे सेवादार अंदर हरी का नाम नहीं है मेरे अंदर जकदम मेरे मत्थे ते त्यूड़ियां पै जाणगियां क्रोध दियां गुस्से दियां मैं अग बलूला हो जावांगा कोई मैनू गल करेगा जिहड़े असली सेवादार ने ना उन्हां दे अंदर दा सहज किस चरम सीमा ते पहुँच जांदा है उन्हां नूं दूजे द्वारा कीता गया अपमान अपमान नहीं जापदा बाबा फरीद जी दे वचन कदी याद करके रखने कई बार आपां सोचदे शैंद कबीर बाबा फरीद जी ना बड़े कायर ने शैंद शायद वो निर्बल होणगे तां इतना दी गल्लां करदे नहीं वो निर्बल नहीं वो कायर नहीं वो डरपोक नहीं उन्हां दे अंदर दी अवस्था विच इन्ना बल है कि दुनिया दा बंदा वड्डे तो वड्डा भी उन्हां दा निरादर करदा है उन्हां दे अंदर उहदा निरादर करन दी भावना पैदा नहीं हुंदी अच सानू कोई माड़ी जी गल करदा है आप उन्हें पिंडों कढ़न तक जाने साढ़े घर लड़ाइया कि गल दें फलाने ने मैनू आ गल कह दी मैं नहीं बोलना भैं भैं बोलना छड़ दें पति पत्नी के बोल बंद हो जाते हैं घर के अंदर दराणी जठाणी दवारा तक मरवा दें नहीं मैं नहीं इस घर वेड़े में रहना मेरी उन्हें मैं आ गल कही सिखमा करना धर्म कित्थे गया ये बाणी का प्रभाव कित्थे गया ये बाणी की विचार कित्थे गई जिहड़ी बाणी नूं आपां मत्था टेकदे हां एक ही मत्था टेकन नाल ये बाणी नाल सा इंसाफ हो गया साडा नहीं होया बाणी नूं मत्था टेकन नाल असीं बाणी का सत्कार नहीं कीता बाणी का सत्कार उस दिन वास्ते विच होएगा जिदन बाणी की विचार मेरी जिंदगी दा आधार ते आचार बन जाएगी जिदन बाणी दी विचार मेरी जिंदगी दा आधार ते मेरा आचार बन जाएगे उदन मैं बाणी दा सत्कार कीता इहदा मतलब ये नहीं है कि असी नमस्कार नहीं करनी इहदा मतलब ये नहीं कि आपां गुरदेव दी परिक्रमा नहीं करनियां ये करनियां ने पर एक गल दा चेता रखना कल्ली मेरी नमस्कार सत्कार नहीं बनेगी कल्ली मेरी नमस्कार प्रकृतियां परकर्मा मेरे गुरु दा आदर दा
प्रगटावा नहीं करनगियां, वो किते संसार अंदर भुलेखा मेरे बारे खड़ा ते करनगियां, पर जदों मेरी जिंदगी अंदर बाणी दी दा आधार होएगा ते मेरी जिंदगी दा आचार बाणी दे अनुसार होएगा, उदन संसार दे अंदर वो जिंदगी प्रेरणा दा सोमा बन जाए। अज मापे बच्चे लई प्रेरणा दा सोमा क्यों नहीं रहे? अज अध्यापक बच्चे समाज लई प्रेरणा दा सोमा क्यों नहीं रहे? अज किसी प्रचारक दे कहे हुए बोलां दा साडे ते असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाणी आधार नहीं है। जिथे बाणी आधार बन जांदा है ना, उथे पैदा होया आचार लोकां दे लई प्रेरणा दा स्रोत बन जांदे। अड़े छाती मारी अंदर, अड़े सानू सोचण दी जरूरत है, विचारन दी जरूरत है। भागां वाले जद नहीं विचारांगे, नहीं विचारांगे ते जिथे आपां बैठे हां ना, अज जिस तरह के सिख गुरु नानक ने तैयार किए सन, कि अज असी उस तरह के सिख हाँ? अपने आप नहीं पूछ लीए। केवल सिंह पूछता है अपने आप नूं, ते केवल सिंह तो देखता नहीं, मैं तो उन्हां सिखां दे रोम दे बराबर भी नहीं हाँ। प्राचीन गुरसिखां दी उन्हां वर्गी करनी, उन्हां वर्गी तरनी, उन्हां वर्गी नेक नीति, उन्हां वर्गा समर्पण, उन्हां वर्गा सेवा दा जज्बा, उन्हां वर्गा त्याग, उन्हां वर्गी कुरबानी, उन्हां वर्गा सिदक, उन्हां वर्गा भरोसा, उन्हां वर्गा संतोख मेरी जिंदगी दे नेड़े तेड़े भी नहीं लंघ रहा। मैं कित्थे सिख हाँ? छाती ते मार के देखिए। अज आप उदासी भी चले जाने, कल्पना चले जाने, सारी कौम वर्तमान समय च बड़ी उदास है, पर उदासी टुटेगी किवें? उदासी जावेगी किवें? असी ते गुरु दे द्वारे ते बैठन वाले, गुरु दे घर विच आउण वाले, गुरु दी बाणी नूं पढ़न ते सुनन वाले, अज असी स्वय उस मार्ग दे उते सेवादार बनण लई मेरे कोल तैयारी नहीं हो पा रही। मैनू गुरदेव दी गल समझ नहीं आ रही। मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै, ये गल मेरी पकड़ विच नहीं आ रही। किहड़े गुरमुख की सेवा? अज मैनू गुरु दे शब्द की विचार सेवा ही नहीं जापती। अज मैं तो डेरे उन्हें भजया जा रहे हैं, अज मैनू बाहर की सेवा ही सेवा जाप रही है। भागां वालिओ, वास्तविक जदों शब्द की विचार सुरत नाल जाके रगड़ खा जाएगी ना, उदण सेवा साडी होनी है, उदण आपां सेवा दे वारस बनना है। जदों सेवा दे वारस बन जावांगे फिर साडे लागे दुनिया दे रस नहीं आणगे, साडे नूं दुनिया दे सुख नहीं पौणगे, दुनिया दे स्वादां नाल साडी सुरत नहीं जुड़ेगी। अज कित्थे खिलोते होए आपां? कदी अपने अंदर झात मार के देखिए। अज सन रसा ने कसा ने किन्ना जकड़ लिया, जिहदे विच आपां जकड़े गए, काबू आ गए। भलिओ असी तो सेवा दे राह तुर के महापुरख बनना से, असी तो मनुख भी नहीं रहे, मैं तो पशु बन गया हाँ। मालक तो कहिंदे ने जिहड़े इस मार्ग ते चलदे ने, ज्ञान नाल जुड़दे ने, वह जिहड़े आ ना वह महापुरख संसारे बन जाण। सतगुरु सेवें महापुरख संसारे बन जाते ने। भलिओ मैं तो महापुरख बने, असी तो बाहरों ही लभ ही जाने महापुरख लभ जे कोई। खिमा करना, महापुरख लभना नहीं, महापुरख बनना है। महापुरख लभ्या होया साढ़े को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इन्हों तो वड्डा ना कोई महा हो सकता है, ना कोई व्यापक पुरख हो सकता है। बाकी तो पुरख भी नहीं बन सकते, मनुख भी बनो रह गए। जिथे ईरखा है, द्वैष है, नफरत है, घिरना है, दसो उन्हों महापुरख कहा जा सकता है? क्यों भागा वाले, कृपा करके उत्तर दो। जिस व्यक्ति दे अंदर ईरखा है, नफरत है, उन्हों की आप महापुरख मान सकते हैं आप के नहीं जी? क्यों सत्संग जी? हाँ जाना बोल के दसो, ताड़ी आवाज इस मशीन विच कैद हो जाए। नहीं जी, आप अज मनी बैठे कि नहीं?
कोई इतना डेरा दिखा दो जिथे लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ईरखा नहीं, द्वेष नहीं, वंड नहीं, फुट नहीं, एक भी दिखा दो। एक भी इतना की संपर्दा दिखा दो। कोई नियंग सिंह जथेबंदी दिखा दो जिथे लड़ते नहीं आपस में। कोई संपर्दा टकसाल दिखा दो जिथे लड़ाई नहीं चलते। क्यों भुलेखे का शिकार हो गए? बस समा आग्या नहीं देंदा। फुरना ते सीशन पूरा शब्द विचारिया जाएगा नहीं विचारिया जाएगा। अंदर हिम्मत नहीं पै रही। अपने अंदर सोच ना लेके जाइए। मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै। ये तुका नाल ले जानिया विचारनिया कि मैं भुलेखे के शिकार होके जिंदगी तो नहीं जूरे आ कि मैनू आ कपड़े बड़े चंगे लगते ने, कपड़े पा के मैं संसार में भरमा सकता हाँ, भरमा सकती हाँ। अज की कर रहे आप? अज साड़ी सारी दी सारी जिंदगी भरन ते पोखन ते जाके मुक गई। सिख जगत अज फैशन की दुनिया में जाके गवाच गया। अज कोई नहीं सानू रोकदा टोकदा। अभीरुक ध्यान मार के देखना। मेरे वर्गा बंदा बोलदा है, मेरिया भैणां नूं कई बार गुस्सा लग जांदा है, भाई जी क्यों बोलदे ने। बाणी कहिंदी जदन शब्द अंदर चले जाएगा ना, उदन कपड़े तन कजण वास्ते पावांगे, संसार नूं विखाउण वास्ते नहीं पावांगे। अज कपड़े कितने दे पाउणे आपां? कितना केड़ा खान बनाया साडा? क्यों गुरदेव दी तीओ भोजन बारे केड़ा खान बनाया आपां? ते तन ते कपड़े पाउण वास्ते केड़े शब्द आपां बोलदे आ? कदी साडी याद विच हैगे ना? वो ज्ञानता दे शब्द चेते करना। आपां शब्द बनाए ने, खाइए मन पाउंदा, पाइए जग पाउंदा। खिमा करना तबाही दा कारण जे इस शब्द जिहड़े ने। मन पाउंदा खाणा, वकारां दी जिंदगी अंदर धक्का देना अपने आप नूं। जग पाउंदा पाउणा, अपने आप नूं किराए पा के तबाह करन वाली किरिया। अज कितें ब्रेक वजेगी तो गल बनेगी। गुरु तो कई तुरिया जा रहे, मन मेरे परम ना कीजे, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे। इस शब्द के अंदर मालक वार वार सेवा की गल कर रहे ने। बाकी दी विचार कल नूं जिवें गुरु जी नूं पाएगी। होइयां पुल्लां दी माफ़ी दिओ, आओ सारे फतेह बुलाओ। बाकी शब्द दी विचार कल फिर जिवें गुरु नूं पावे रल मिल के करांगे। फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करिए गौर विचार, करी।